नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं SB न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सतवास में गुरुवार को नगर परिषद और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर नगर के शास्त्री कॉलोनी में वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाया और न्यायालय के आदेश तक नगर परिषद ने भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है और कार्यवाही के रूप में सीमांकन कर भूमि के आसपास स्थायी रूप से तार फिनिशिंग कर दिया गया है। आपको बता दें कि उक्त भूमि का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि नगर के नारायण सोनी ने उक्त भूमि को अपना बताकर वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है और निर्माण कार्य टीन शेड तैयार कर लिया गया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सतवास तहसीलदार हरिओम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा भूमि आरक्षित की गई थी व्यवसायिक प्रयोजन के लिए, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। उसे हटाने के लिए नगर परिषद द्वारा 2 जनवरी 2023 को नोटिस जारी किया गया था। आज का समय दिया गया था जिसको लेकर नगर परिषद और राजस्व की टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही की गई है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिन पर भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने मीडिया में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि हम पर जो आरोप लगाया गया है वह निराधार और असत्य है। हमारे पास प्लॉट की भूमि के पूरे ऑनलाइन कागजात भी हैं। भूमि के सारे ऑनलाइन कागजात हमारे नाम से हैं और यह मामला अभी न्यायालय कन्नौज कोर्ट में विचाराधीन है। हमारे द्वारा अभी किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही अभी हम कोई केस हारे हैं। शासन प्रशासन द्वारा हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। सतवास से घनश्याम भदौरिया की खास रिपोर्ट। जो रकबा है वो 3 एकड़ भूमि का है, ना कि सिर्फ हमारा, मतलब उसमें 3 एकड़ में शासी सिर्फ इसी को बताया जा रहा है। 3 एकड़ है तो 3 एकड़ को उसको बता नहीं रहे ये लोग। और हमारा ये प्रमाणित कॉपी कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, उसके बाद भी दादागिरी पूर्ण हमारे को परेशान किया जा रहा है। ये देख लीजिए, इसकी प्रमाणित न्यायालय में इसका केस चल रहा है, उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ आके हमारा परेशान किया जा रहा है, हमको दादागिरी की जा रही है। आप देख सकते हैं प्रमाणित कॉपी, इसके न्यायालय में इसका केस चल रहा है। अभी इसका अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है, उसके बावजूद कार्रवाई करना है। अवैध रूप से अतिक्रमण करके नहीं, नगर परिषद से हमको प्रमाण पत्र मिला है उसका, उसकी रजिस्ट्री हुई है, उनके वहीं से हमको अनुमति मिली है बनाने की, लेकिन वो सब तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो न्यायालय उसको फैसला करेगी ना, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। दादागिरी दिखा रहे, नेतागिरी चल रही है यहाँ पे। तो पूरी कार्रवाई को लेकर पहले आपको नोटिस दिया गया था प्रशासन की तरफ से? ये हमारे सामान, ये हमारे सामान को भी यहाँ पे जो रखा हुआ है उसको भी फैला रहे हैं। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है, ये कम से कम 100 साल पुरानी पुरानी हमारी दादा परदादा की जमीन सोनी, जो स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन उनकी जमीन है 100 साल से। बच्चा सतवास का जानता है कि उनकी जमीन है। सर बताइए क्या मामला है, जेसीबी वगैरह चल रही है? नगर परिषद सतवास के जो नगरीय क्षेत्र में खसरा नंबर 346 में नगर परिषद द्वारा कुछ भूमि आरक्षित की गई थी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में 2 तारीख को नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी किया गया था। आज का समय दिया गया था अतिक्रमण हटाने को, व्यक्ति को समय दिए जाने के पश्चात आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व नगर परिषद और पुलिस की उपस्थिति में की गई। सर ये मामला कोर्ट में चल रहा है, बताया जा रहा है? कोर्ट में कोई स्टे नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी CMO साहब दे पाएंगे। सतवास में और भी मामले इसको लेकर क्या कहेंगे अतिक्रमण से? सभी को संज्ञान में लिया जाकर आगे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मुहिम हमारी जारी रहेगी। देवास जिले के खजूरिया परमार में सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसे लेकर पूरे भारत में पीले अक्षत कलश दिए गए, जो कि आज गांव खजूरिया परमार में अक्षत कलश का भव्य स्वागत किया गया। मेहरबान गुर्जर द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव में पुष्प वर्षा के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया गया। पूरे गांव में महाप्रसाद का आयोजन किया गया और अयोध्या में हो रहे भव्य मंदिर के लिए आतिशबाजी कर सभी राम भक्तों ने खुशियां मनाई। देवास से मेहरबान सिंह गुर्जर की खास रिपोर्ट।
पीथमपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे गैस सिलेंडरों में और गाड़ियों में गैस भरने का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। एकांत एरिया से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर से की जा रही है गैस रिफिलिंग। गैस रिफिलिंग से कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि हो सकती है। हाल ही में खंडवा में हुए हादसे में लोगों की जान गई है। आए दिन कहीं ना कहीं गैस की वजह से जनहानि होती रहती है। इतना होने के बाद भी प्रशासन की नज़र इन पर नहीं पड़ रही है। पीतमपुर नगर में किराना, बर्तन और एवर फ्रेश की दुकानों की आड़ में गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। शहर के नूतन नगर हाउसिंग बोर्ड छत्रछाया कॉलोनी जयनगर में कई ऐसी दुकानें हैं जहां छोटी टंकियों में गैस रिफिलिंग का खुले आम चलता है। शहर में किराए पर रूम लेकर रहने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक है, इसीलिए यहां अवैध छोटे सिलेंडरों को बेचने और रिफिलिंग का धंधा बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहां किराए के मकान में रहने वाले लोग 5 किलो और 2.5 किलो के छोटे गैस सिलेंडरों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अवैध रिफिलिंग करने वाले 100 रुपये से 200 अधिक कीमत पर गैस कंपनियों के सिलेंडरों को खरीदते हैं और छोटे गैस सिलेंडरों में 100 से लेकर 110 रुपये प्रति किलो तक के हिसाब से गैस भरते हैं। प्रत्येक घरेलू सिलेंडर में 350 से लेकर 400 तक का मुनाफा कमाया जाता है। घरेलू सिलेंडर कालाबाजारी करने वाले इन दुकानों पर गैस एजेंसी के वाहनों द्वारा ही सिलेंडर की सप्लाई की जाती है। इस रिफिलिंग से कहीं किसी दिन नगर में बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी मौन है। यह कारोबार सालों से खुलेआम चल रहा है, फिर भी प्रशासन मौन है। इसका अंदाज़ा आमजन लगा सकते हैं कि इस कारोबार में कहीं न कहीं प्रशासनिक की मिलीभगत हो सकती है। पीथमपुर से वीरेंद्र जायसवाल की खास रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए SB News चैनल।